नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप जो वीडियो में देख रहे हैं इसे धुंध या कोहरा समझने की गलती ना करें, क्योंकि अभी विंटर सीजन है दोस्तों। ये है आपका स्मॉग यानी प्रदूषण से बना हुआ कोहरा। आप देख सकते हैं वीडियो में किस स्तर का प्रदूषण है अभी। दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ चुका है कि टोटल 24 आवर्स में 12 सिगरेट पीने के बराबर वहाँ पॉल्यूशन है। यानी आप दिन में 12 सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, इस लेवल में वहाँ 24 आवर्स के बराबर यहाँ पे प्रदूषण हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे भारत में प्रदूषण किस तरह से फैलती है, क्या कारण होते हैं और प्रदूषण मापने के लिए क्या इंडेक्स तैयार किया गया है, क्या लेवल तैयार किया गया है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे पॉल्यूशन की दोस्तों। प्रदूषण की सबसे पहले बात करेंगे, प्रदूषण में बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन होता कैसे है। इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एयर पोल्यूशन के बारे में, जो वायु प्रदूषण होता है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये जो आप ऊपर का देख रहे हैं ये पूरा पार्ट, ये वायुमंडल है हमारा यानी आसमान का तरफ। वायुमंडल में क्या होता है दोस्तों, जो प्रदूषक, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्रदूषक किस तरह के पोल्यूटेंट्स, जो जलाने से, फैक्ट्रीज से, गाड़ियों के धुएं से, फायर क्रैकर्स से, ये जो प्रदूषक की मात्रा होती है ये एटमॉस्फेयर में इस कदर बढ़ जाती है कि वायु की गुणवत्ता में ह्रास होने लगता है। यानी जो वायु, जो एयर का क्वालिटी है बहुत कम होने लगता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो लोग रहते हैं, समाज है, उनकी लिए वो हानिकारक बन जाता है। जैसा कि अभी हानिकारक बन चुका है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं दोस्तों। तो जब यह हानिकारक हो जाता है तो इसी चीज़ को कहते हैं आपको एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, यानी वायु जो है आपका वो प्रदूषित हो गया। इसके बहुत सारे कारण हैं और मुख्य कारण क्या है आगे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ समझ लेते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, खेती से, जो अभी आप जानते हैं कि जो आसपास के किसान, जो पड़ोसी राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वो क्या करते हैं, पराली जलाते हैं। यानी जो खेत का जो वेस्ट बच जाता है, जो जैसे गेहूँ काटा जाता है और गेहूँ का जो निचला सतह बच जाता है, जो क्रॉप्स वेस्ट होते हैं उनको जलाया जाता है, तो उनसे ही प्रदूषण फैलता है। जो फैक्ट्रीज के धुएँ होते हैं उनसे, गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ होते हैं उनसे, कंस्ट्रक्शन होता है उनसे, जो वोल्केनोज इरप्शन होता है उनसे, जंगल में आग लगती है उनसे। तो ये सभी कारण हैं एयर पोल्यूशन के। आगे देखते हैं, सबसे पहला मुख्य कारण जो दिल्ली में मुख्य कारण है, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, एनसीआर में इसलिए मैं कह रहा हूँ, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें आपका गाजियाबाद आ गया, गुरुग्राम आ गया दोस्तों। तो इतना प्रॉब्लम क्यों है, इतना पोल्यूशन क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है आपका बर्निंग ऑफ वेस्ट क्रॉप्स, यानी किसानों द्वारा ये जो आपको फसल जलाई जा रही है, सबसे बड़ा कारण ये है। आप देख सकते हैं जो आप फसल कट गई और नीचे वाला जो स्टेम बच गया, तना बच गया, उनको ये क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है। जो चावल की भूसियां बच गई उनको ये क्या करते हैं, जला देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर प्रदूषण हो रहा है, सूरज भी नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सूरज है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ा रीजन है पराली जलाना किसानों द्वारा, ये जो वेस्ट क्रॉप्स होते हैं, यूपी के किसान, हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान। आप जानते हैं दिल्ली जो है इन तीनों राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है, इसलिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण ठंड के टाइम में आ जाती है, क्योंकि ये लोग पराली जलाते हैं। पराली जलाने से सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों ट्रैफिक। ट्रैफिक में क्या होता है, जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों द्वारा धुआं छोड़ा जाता है, उस वजह से भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण की समस्या आती है। तीसरा रीजन है आपका विंटर सीजन। अब समझिए विंटर सीजन किस तरह रोल खेलता है। और हर साल आप सुनते होंगे इसी टाइम में दिवाली खत्म हुई कि हल्ला होने लगा कि प्रदूषण बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया। विंटर सीजन में क्या होता है कि हवा तो बहती नहीं है, अगर एक बार जो पोल्यूटेंट्स हैं हवा में क्या हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं और उसी जगह स्थिर हो जाते हैं, इधर उधर नहीं करते क्योंकि हवा तो बहती है नहीं। तो जो प्रदूषक होते हैं वो एक जगह अस्थिर हो गए, हवा में ही कैद हो गए। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो विजिबिलिटी होती है, आप देख सकते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, आगे इंडिया गेट है यहाँ पे, लेकिन इंडिया गेट नहीं दिख रहा होगा आपको। तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है विंटर सीजन में। चौथा सबसे बड़ा रीजन है आपका कंस्ट्रक्शन। जो मकान बनते हैं कहीं भी, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है दिल्ली में, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनसे क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, इन सब के जो कण होते हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से धूल कण है, हवा में जाके कैद हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा भी रीजन है, चौथा सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन रीजन है आपका। पांचवा रीजन है, लेकिन नहीं भी माना जा सकता है इसको, लेकिन मुख्य रीजन ये भी है, क्योंकि दिवाली के दिन के बाद से ही ये स्टार्ट हो जाता है, फायर क्रैकर्स, जो पटाखे जलाए जाते हैं दिवाली के समय में, उनसे प्रदूषण हो सकता है। आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, इसको हम नहीं मानते हैं, मुख्य रीजन नहीं है फायर क्रैकर्स तो, लेकिन फायर क्रैकर्स है भी, क्योंकि ये अचानक से स्टार्ट हो जाता है और जो दिल्ली का प्रदूषण लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये थे दोस्तों आपके पांच मुख्य कारण। पहला फसलों का जलाना, दूसरा हमारा ट्रैफिक है, तीसरा विंटर सीजन हो गया दोस्तों, चौथा कंस्ट्रक्शन हो गया और पाँचवा हमारा फायर क्रैकर्स हो गया। तो ये थे आपके मुख्य कारण कि दिल्ली में प्रदूषण आखिर हो क्यों रहा है। अब आगे जानेंगे
कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब जब प्रदूषण होता है तो उसको मापने के लिए क्या किया गया, जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उन्होंने एक इंडेक्स तैयार किया, वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी इससे एक इन्होंने स्केल तैयार किया जिसमें पता चलेगा कि किस दिन कितना लेवल है प्रदूषण का, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हजारडस हो सकता है, हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। प्रदूषण क्या है, हमारे फेफड़ों तक जो धूल कण होते हैं हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और अंदर तक चले जाते हैं और बहुत नुकसान करते हैं हमारे शरीर को। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया गया, 0 से 50 के बीच अगर है तो उसको गुड माना जाता, अच्छा माना जाता है, यानी हवा अच्छी है। 51 से 100 के बीच जो है मॉडरेट मानी जाती है, मतलब ठीक ठाक मानी जाती है। 100 से 150 के बीच अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, सेंसिटिव ग्रुप समझ लीजिए जो बूढ़े हो गए और जो बच्चे हो गए, ठीक है, और जो बीमार हो गए। 151 से 200 के बीच इसको अनहेल्दी माना जाता है, बिल्कुल अस्वस्थ माना जाता है, और 200 से 300 के बीच वेरी अनहेल्दी, यानी बहुत ही बेकार माना जाता है, और 300 से 500 के बीच हजारडस माना जाता है, लेकिन यानी आपकी जान पे खतरा है, हेल्थ इमरजेंसी इसको बोला जा सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए 500 तक का ही इंडेक्स बनाया गया, लेकिन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का 13 नवंबर का आप यहाँ पे देख लीजिए, 13 नवंबर को 578 है, यानी हजारडस से भी ऊपर है, 500 तक का ही हमारा लेवल है, और 578 AQI है। आप न्यूज़ में अक्सर सुनते होंगे कि फलाने जगह का AQI इतना था, उस जगह का AQI इतना था, तो AQI मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब हर जगह अलग अलग रहती है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का लिया गया, यानी 578 है, यानी हजारडस से भी ऊपर है, यानी बहुत ही खतरा का एक्सट्रीम लेवल हो गया, आप सोच सकते हैं दोस्तों। तो ये होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में कैसे तय किया जाता है, उसके लिए 8 कारक तय किए गए, जिनमें पहला होता है PM10, दूसरा होता है PM2.5, दूसरा होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको NO2 कहा जाता है, SO2 सल्फर ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O3 ओजोन, NH3 अमोनिया, PB3 लेड, ये 8 कारक है, इन पे ही ये स्केल तैयार किया जाता है, ठीक है। अब इन स्केल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इन स्केल को कैसे बताया जाता है। PM10 और PM2.5, सबसे पहले समझ लीजिए PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी छोटे कण। जो PM2 होता है दोस्तों, ये इतने छोटे कण होते हैं, बहुत ही छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हो गए और जो मैंने बताया पराली जलाया जाता है उनमें से निकलने वाले धुएं डायरेक्ट क्या होता है हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो ये था PM2.5, बहुत ही खतरनाक होता है और छोटे छोटे होते हैं, जिनसे क्या होती है विजिबिलिटी भी कम होती है। PM10 हो गया दोस्तों, PM10 पार्टिकुलेट मैटर हो गया, इनसे भी क्या होती है खतरा होता है और ये बहुत ही पर्यावरण में हवा में जाके कैद हो जाते हैं। हम देख सकते हैं ये पार्टिकुलेट मैटर कंस्ट्रक्शन से निकला, फैक्ट्री से निकला, गाड़ी के धुएं से निकला, आग जलाने से निकला, किसी चीज़ को जलाने से निकला, ये PM10 PM2.5 है दोस्तों। तो ये सभी मुख्य वजह हैं दोस्तों हमारे साथ प्रदूषण के। आप देख सकते हैं ये प्रदूषण से पहले का फोटो है, ये प्रदूषण के बाद का फोटो है, सेम जगह है, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग यहाँ कितना क्लियर है और कुछ नहीं दिखाया जा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण का लेवल किस तरह बढ़ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदूषण से बचने के उपाय भी समझ लीजिए। अभी क्या किया गया है कि ऐसी स्थिति हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा क्या कि 1 हफ्ते तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजेशन दिया गया है कि आप लॉकडाउन लगाइए। टॉक्सिटी मैंने पहले भी बता दिया कि अभी दिल्ली का क्या है, 15 सिगरेट पीने के बराबर अभी वहाँ का प्रदूषण है PM2.5, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यानी 15 सिगरेट पीने के बराबर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है, और इस स्थिति में आपको यही एडवाइस दी जाती है कि घर से कम निकले, जैसे सुबह का मॉर्निंग वॉक है, शाम का इवनिंग वॉक है तो नहीं निकले, घर से कम ही काम करें जितना हो सके। तो इस प्रदूषण को कम करने के लिए भी इन तरह के फैसले अभी लिए गए हैं, धीरे धीरे ये प्रदूषण हो सकता है कम हो, लेकिन अभी तक कुछ अच्छी संकेत हमें नहीं देखने को मिलते। तो दोस्तों यही थी टोटल हमारे पास कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के रीजंस कितने थे, मैंने सब आपको वायु प्रदूषण के रीजंस आपको बता दिए, किस तरह का रीजंस है, क्यों वायु में प्रदूषण है, विंटर सीजन, कंस्ट्रक्शन, एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से। उम्मीद है आपको मैंने पूरी जानकारी दी होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।